गाइस अभी आपको मैं दिखाती हूँ हमारा न्यू फैमिली मेंबर। नमस्ते मित्रों, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं। तो अभी टाइम हुआ है 10:30। तो अभी मैं लगी हूँ ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करके मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज मिलवाऊंगी किसी से। हमारी फैमिली में न्यू मेंबर आया है, तो वो कौन है उसके लिए आप लोग वीडियो देखते रहे आगे। आज थोड़े बादल तो दिख रहे हैं ऊपर, मगर पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। मौसम वैसे तो बरसातों का है, मगर बारिश है कि होने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी थोड़ी होती है, कल हुई थी बारिश 20 मिनट के लिए बस। तो प्रे करो कि ज्यादा से ज्यादा बारिश हो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारे इलाके में बहुत सारे पापी लोग हैं, जो कि बोलते रहे जहाँ कि बारिश तो नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे पापी लोग रहते तो बारिश नहीं हो रही। तो गाइस अभी आपको मैं दिखाती हूँ हमारा न्यू फैमिली मेंबर। ये गाय बहुत अच्छी है, ये मारती नहीं है। ये क्यों लगा दिया? अगर लावा से छोड़ दे बंदा तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, मच अप्रिशिएटेड। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है लवारिस गाय हो गई थी, तो उनकी वजह से यहाँ बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये देखो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने। तो ये देखो अभी जितनी भी जो पालतू गाय हैं, इनके कानों में इन्होंने ये लगा दिए हैं, टोकन लगा दिए हैं। इसमें बार कोड है, नंबर है एक, ये देखो। अब इससे क्या होगा, मान लो इस गाय को हम लोगों ने छोड़ दिया लवारिस सड़क पे, तो टोकन से पता चल जाएगा कि हाँ किसकी गाय है। तो अभी चलो, इससे ये चीज अच्छी है कि सड़क पे लवारिस गाय कम हो जाएंगी। देखते रहो देखते रहो, मैं आपको मिलवाती हूँ न्यू फैमिली मेंबर से। बहुत ही क्यूट है ये देखो। ये कल आया है इस दुनिया में। अच्छा कल सुबह सुबह आया है। हेलो हेलो। अब नहीं मार रही है ना ये गाय, ये इसकी मम्मी। ये भी आज बहुत शांत हो गई, नहीं तो ये अपने पास में किसी को नहीं आने देती, एकदम मारने पड़ती है। इसका नाम क्या रखें? मंगलवार को हुआ। हाँ। इसका नाम मंगलू। पहले ऐसे ही करते थे है ना, मंगल को हुआ नहीं, मंगलवार को हुआ तो मंगलू, बुधवार को हुआ तो बुद्धू, बुधवार को हुआ तो बुद्धू। नहीं नहीं यार, एक ही तो ना, फिर मंगल से मंगलू, और क्या होते थे? बुद्ध से बुद्धू और वीर से वीरू, शुक्र से शुक्रू। पर मैं देखा है, मतलब मंगलू बहुत ही कॉमन नेम है, तो मतलब ज्यादातर बच्चे जो है मंगलवार को ही पैदा होते हैं। हाँ, पिछली भी हमारे वो मंगलवार को है ना। आपको भी मुबारकबाद। धन्यवाद, मुबारकबाद। चलो ये देखो हमारी लाइका का स्विमिंग पूल है, ये गंदा हो गया, देखना काई काई है। आएगी वो सारा फ्लाप लो, दो दिन आई है वो, बैठ गया मिलने के लिए उठा था, देखना। हाँ। चलो मित्रों, अब हम अपने न्यू फैमिली मेंबर को रेस्ट करने देते हैं। तो ये मेरे भाई की गाय हैं, उनमें से एक गाय ने बेबी दिया है, कल हुआ था। मक्की देख के मजा आ गया, क्योंकि मैं क्या है, जब मैं बैंगलोर थी जॉब करती थी, तो मैं जब घर आती थी, मतलब सर्दियों में आती थी, तो अक्टूबर दिवाली के आसपास ही आती थी। तो अभी बहुत, मतलब कोई तीन चार साल बाद मैंने मक्की देखी अपने खेतों में लगी हुई, तो काफी अच्छा लग रहा है। और बहुत बड़ी हो गई है, देखो इसकी हाइट तो मेरे से भी बहुत लंबी आई थी, कितनी 8-10 फीट लंबी हो चुकी है। ये देखो भुट्टा भी लग गया है, पर अभी पूरा नहीं ना पका होगा, बीज नहीं आए है ना। The fire, burn your hands with a desire.
जैसे ही बीज लग जाएंगे फिर हम भुट्टा गरम करके खाएंगे, नींबू वगैरह लगा के, नींबू और नमक लगा के, और पॉपकॉर्न भी बनाएंगे। पॉपकॉर्न तो लग बनते इसको भून के खाते हैं। हाँ इसको भून के, पर दाने निकाल लो तो पॉपकॉर्न बन जाएंगे। पॉपकॉर्न वाली जो होती है वो दूसरी होती है, ये नहीं होती बनता इससे कम। हाँ। ब्लैक ब्लैक ज्यादा हो जाती है। अच्छा अच्छा, जो दूसरी होती है ना। हाँ। वो जो होती है वो सारी की सारी उसको कुकर में डालो। हाँ। उसके बाद वो छोटे दाने होते हैं। अच्छा अच्छा, नाक खाते रुक में इसको पकड़, मैं तोड़ती हूँ। ऐसे नहीं, सीधे उसके साथ ही करो, नीचे से पकड़ो ना। बड़ा लम बडांग हो तेरी। चलो धोके खाते हैं, जाके फ्रेश नाक खाते हैं एकदम अपने घर की लगी हुई। और यहाँ पे इसकी सब्जी भी बनाते हैं, तो मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी सब्जी कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। फ्रेश नाक तो ले आए, अब हम बनाते हैं नाक की चाट, बनाते हैं खट्टी मीठी अच्छी लगेगी। हाँ बोल। मैंगो मैंगो भी डालते हैं। तो यार मौसम इतना अजीब है ना, पहले बादल थे, बादल गए, धूप आ गई, बारिश का तो कोई चांस ही नहीं लग रहा। आजकल का ये हमारा नया रूटीन बना हुआ है, फ्रूट चाट खा लेना गर्मियों में, तो मजा आ रहा है ना, अच्छी लग रही है। नमक पाई के स्वाद लग रहा नहीं, पहली बार ही खाते मैं नमक पाई कर रही हूँ। बंद करते वीडियो, पता क्या नहीं, मैं वीडियो बनाती रह जाऊंगी और आम तुम सब खा जाओ। हम पुखड़ हम पुखड़ मित्रों, हमको थोड़ा सा एक्सक्यूज करो, मैं फटाफट पहले अपने हिस्से का आम खाऊं, नहीं तो मुझे कम मिलेंगे और ये सब कुछ यहाँ पे उड़ा देंगे। नहीं तो भाई मेरा तो खा ही जाता। नहीं तो मेरे भाई ने कुछ नहीं छोड़ना, मेरे को खाली प्लेट मिलेगी। तो वीडियो हम थोड़ी देर में बनाते हैं, अभी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो आई होप आप लोगों को हमारा न्यू फैमिली मेंबर पसंद आया। अभी लंच टाइम हो गया, मैं और दादी लंच करने लगे हैं। यहाँ पे दो दिन से लाइट नहीं थी, आज आई है। पास में एक जगह है जॉन्टा, वहां पे बोलते ट्रांसफॉर्मर जल गया था, तो इसलिए फ्रिज में पड़ा पड़ा दूध फट गया था, तो हमने घर का ही पनीर बनाया, वही खा रहे हैं। तो ये है होममेड पनीर, और हमारे पास है रेडू और भिंडी। हमारी तो हो गई पेट पूजा, अब लाइका की भी पेट पूजा करवा देते हैं। तो ये देखो लाइका आजकल अपनी डेन में घुसी होती है। आजा बाहर आजा, रोटी खा ले। तो मित्रों आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया और हमारा न्यू फैमिली मेंबर भी पसंद आया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मैं आपको फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ मैं वापस आ गई, और मित्रों सब्सक्राइब तो जरूर करना, और साथ साथ में लाइक शेयर और कॉमेंट करना भी मत भूलना। सो बाय बाय।